मित्रों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपसे कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको आज आपका एक खुद का सच पता चल सकता है। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बीसी विभाग के लोगों के लिए करने वाला हूं, क्योंकि मेरे चैनल ने सबसे ज्यादा कार्य बीसी विभाग के लिए किया है, जो कि हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। लेकिन आज उन तमाम लोगों की मैं पर्दाफाश करूंगा जो लोग अक्सर मुझ पर टिप्पणियां करते हैं, मुझ पर गलत आरोप लगाते हैं। मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपके बीसी विभाग में, यह हर किसी को पता है और आप लोग भी भली भांति जानते होंगे, शायद आपके विभाग में हो सकता है कोई एक आध यूट्यूब चैनल कोई चलाता हो तो बात नहीं मैं कह सकता हूं। लेकिन मैं जब आप लोगों के बीच आया था, लगभग 2021 की बात कर रहा हूं, उस समय मैं देख रहा था कि आपका मामला दूर दूर तक किसी तरीके से हाईलाइट पे नहीं चल रहा था। मैं गया वहां पर अपनी कवरेज करने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए। मैंने वहां देखा कि आपका विभाग सच में बहुत परेशानी से जूझ रहा है। तो मैंने ये ठान लिया कि भाई, आपके विभाग का उद्धार हमें किसी भी तरह से कराना पड़े, मैं कराऊंगा। लेकिन कहते हैं कि दुर्भाग्य होता है कि जब उसी विभाग के कुछ असामाजिक लोग हमारे सही काम को भी गंदा ठहरा दे या गलत ठहरा दे, तो भगवान भी उतर आए सही करने के लिए, इंसाफ दिलाने की, तो भी नहीं दिला पाएंगे। तो जब मैं आपके वहां गया, मैंने देखा कि यार, चलिए इस विभाग के लिए मैं काम करता हूं। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, जानकारी निकालने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल इस तरह से आपके विभाग का हाईलाइट मामला मुझे नहीं मिला। उस समय आपके विभाग में जो लोग धरना प्रदर्शन करने आए थे, वहां पर किसी का यूट्यूब चैनल भी नहीं दिखा। चलिए कोई बात नहीं, बात यहां तक नहीं रुकती है। बात फिर क्या रुकती है, बात कहां पे फंस रही है कि जो आपके तथा कथित आज फर्जी वाले नेता बनकर बैठे हैं। मैं इनको फर्जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर ये क्या करते हैं, ये सिर्फ आम खाते हैं, आम की गुठलियां दिखाते हैं, ये सब फर्जी लोग ही काम करते हैं। हालांकि मुझे तो आपके कुछ तथाकथित ऐसे नेता हैं जिन्होंने टिप्पणी बोल रखी है कि भाई, अनु त्रिपाठी तो नचनिया है, अनु त्रिपाठी तो पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते, मुझे तो ध्यान भी नहीं रहता है। तो देखिए, मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरी एक कला है। चाहे मैं नचनिया हूं या मैं गायक हूं या कलाकार हूं, ये मेरी अपनी कला है जो कि माँ सरस्वती के द्वारा मुझे प्राप्त हुई। इस पर आप अगर टिप्पणियां करते हैं किसी के बारे में, तो इसका भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर कभी किसी को माफ नहीं करता, क्योंकि कला की मजाक किसी की भी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन आपने हमारी बना दी है, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आज देश में नचनिया और गबैया ही कहीं ना कहीं राजनीतिक दुनिया में पैर रख के बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि नचनिया ही इतिहास रचते हैं। बस फर्क इतना होता है कि हम कभी हार नहीं मानते, ये हमारी एक असली पहचान है। तो मैं फिर से लौट करके उसी मुद्दे पे आ जाता हूं। उस समय आपके तथाकथित जो आज के जो आपके नेता बने घूम रहे हैं, ये लोग जैसे बिल्ली ऐसे खड़ी होती ना चुपके से। जब मैं वहां कवरेज करता था, वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं उसको भी पब्लिश दोबारा कर दूंगा, हालांकि मैं एक बार कर भी चुका हूं। आपके तथाकथित नेता बिल्लियों की तरह वहां पर बैठे थे। उस समय ना तो इनका कोई यूट्यूब चैनल था, ना इनको कुछ आता था, ना इनको जाता था। इन लोगों ने देखा कि हमारी अनु त्रिपाठी ने पब्लिसिटी करी दी है, वो वीडियो अच्छा खासा वायरल हुआ। उसी वीडियो से यार चौकीदार का मामला हाईलाइट इतना हो गया कि गूगल पे भी आपको सर्चिंग पे मिल जाएगा, गूगल से लेके हर जगह मिल जाएगा। पहले लोग जानते नहीं थे चौकीदार क्या होता है। अब उसके बाद इन्होंने गेम खेलना चालू किया, इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना चैनल स्टार्ट करूं। अरे अच्छी बात है यार, करना भी चाहिए भाई। आप देखिए, आपका विभाग है, आपके विभाग में लोगों को जितना भी ज्यादा सक्रिय कर देंगे उतना ही अच्छा है। अब मुझे ही नहीं पता कि चैनल का दुरुपयोग किया जाएगा।
भाई साहब चैनल स्टार्ट कर लेते हैं और चैनल स्टार्ट करने के बाद बन जाते हैं नेता, यानी कि देखा जाए तो सारे चौकीदारों से जुड़े आते हैं और बना लेते हैं अपना एक राजनीतिक फंडा। अब यहां बात यह आ जाती है कि जो हमारे बीसी विभाग के लोग ये कहते हैं कि अनु त्रिपाठी तूने किया क्या या अनु त्रिपाठी तू कर क्या रहा है, तो ये जीता जागता सबूत है, क्योंकि अनु त्रिपाठी ने जो सक्रियता लाई है मुझे नहीं लगता है कि उस समय आपकी सक्रियता थी, और ये शायद अच्छी तरह आपको पता होगा। दूसरी चीज, जो आज आपके तथाकथित नेता बने घूम रहे हैं, जो मुकदमा के नाम पे आपसे पैसा वसूली करते हैं, जो एक ऐसे भी नेता हैं जो हमेशा ड्रामेबाजी का काम करते हैं, वो लोग बिल्ली बनकर रहते थे और उसके बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल बना करके लोगों को जोड़ना चालू कर दिया, तो क्या ये सक्रियता नहीं है? क्या ये अनु त्रिपाठी का काम नहीं था? ये अगर मैं उस समय ये सब कार्य ना करता तो क्या आपको लगता था कि आपके नेता ये नेता बनते? नहीं बनते। आज से सिर्फ लूटा घसूटी वाला काम होता संगठन बना बना करके, जिस तरह से हर बार धरने के नाम पे आपसे पैसा लिया गया, कोर्ट के नाम से पैसा लिया गया। हालांकि अभी दो दिन पहले एक आइडियो वायरल हुआ, उसमें आपके तथाकथित नेता कुल शुक्ला है, वो कह रहा है कि जब से मैं आया हूं तब से इतनी सक्रियता आ गई है कि मैंने दलाली बंद कर दी। अब इस व्यक्ति से यह पूछा जाए, इसने तो खुद दलाली की है, तो ये बंद कहां से करेगा? ये हालात आपके विभाग में चल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर नहीं आप चीजों को समझ रहे तो मुझे लगता है कि फिर भगवान भी उतर आएंगे, आपको कोई नहीं समझा सकता। मैंने 20 जुलाई की डेट रखी कि भाई 20 जुलाई को इको गार्डन की धरती पर हमारे चौकीदार इकट्ठा होंगे, और वो इसलिए रखी कि ताकि आपको हम इंसाफ दिला सकें। जब हॉल की बात चल रही थी कि हॉल बुकिंग करेंगे, कोई बड़ी मीटिंग करेंगे, तो वहां पे मैंने प्लान किया था कि जो खर्च आए तो सब लोग मिलकर झेल लीजिए, लेकिन बात इको गार्डन की आती है तो इको गार्डन में किसी भी तरह से आपका खर्च नहीं लग रहा, पहली चीज तो आप यह समझ लीजिए। वहां पर जो भी छोटा मोटा खर्च आएगा वो अनु त्रिपाठी और आपके पदाधिकारी एक दो अगर आ गए तो वो दे देंगे, मतलब तो ठीक, नहीं देंगे तो आपका भाई जेल लेगा, क्योंकि मेरा मुहिम और मेरा उद्देश्य है इस विभाग का उद्धार कराना। मैं किसी भी तरह से यह नहीं चाहता हूं कि आपका शोषण कोई करे। आपको समझ में आएगा तो हर हर महादेव। कुछ लोग राजनीतिक टट्टू बनकर के कहते हैं भैया फलाने जिला के हमारे बंदे नहीं आ पाएंगे। अरे नहीं आ पाएंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हमारे साथ जो आएगा मैं उनको इस वीडियो से वचन दे रहा हूं कि लगभग उनके हर काम और हर समय के साथ मैं खड़ा रहूंगा। जितने लोग आएंगे उनका नाम, मोबाइल नंबर सारा यहां नोट किया जाएगा, जिला कहां के हैं, कौन से थाने से हैं, ये सारी चीजें यहां पर हम नोट करेंगे। अब आप लोग सोचिए, जब आप अपनी भारी संख्या को लेकर आएंगे तो पहली चीज तो आप एक चीज नोट कर लीजिए कि मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि किसी विपक्ष के नेता को बुला करके आपकी चर्चा कराऊंगा, और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपकी जब भारी संख्या होगी, हालांकि आपके तथाकथित नेता यह भी कहने लगे कि अनु त्रिपाठी संख्या बुला रहा है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और किसी बहुत बड़ा पद लेने के लिए। अरे भाई इन लोगों को कौन समझाए, इनको कौन समझा सकता है? इनको यह पता होना चाहिए कि ऑलरेडी लोक जन समाज पार्टी मुझे पद दे चुकी है प्रदेश का, मैं उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष के पद पे जुड़ा हूं, और मैं जुड़ा इसलिए हूं सिर्फ अपने बीसी विभाग के लिए, क्योंकि आज तक किसी भी तरह से बीसी विभाग का किसी भी राजनीतिक दल ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने उस पार्टी में जुड़ने से पहले ही कहा था कि चौकीदार का हमारा मामला सबसे नंबर वन पे रहेगा, और उन्होंने मेरी बात को माना भी, उन्होंने कहा ठीक है। हमने ये भी कहा कि हमारे अगर चौकीदार समझदार हैं जो, तो आने वाले समय में हमारी पार्टी के द्वारा उन्हें लाभ दिया जाए, हमारी पार्टी के द्वारा जो जैसे हैं, जैसे पढ़े लिखे जो लोग ज्यादा हैं उनको अच्छा पद मिले, उनको सम्मान मिले, और आगे अगर टिकट वितरण का काम हो तो जो अच्छा चेहरा उसको टिकट वितरित किए जाए, इस तरीके के प्रावधान हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि चौकीदार विभाग में भी हमारी एक पार्टी का ऐसा नेता हो जो अपने विभाग को एक साथ लेकर के चल के आगे उनका उद्धार करा सके। मैं इतने बड़े सपने बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं भाई? मैं काम तो अपने, मुझे क्या करना है भाई, मैं तो 75 जिले में आधे ज्यादा तो जिला अध्यक्ष बनी चुके हैं, कुछ और बाकी उनको बना दूंगा, बैठ जाऊंगा चुपचाप, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं,
और ये मैं दावा कर रहा हूं कि मैं पार्टी से जुड़ा हूं, तो आप लोगों के विभाग की दैनिक दशा देख करके मैं चाहता हूं कि आपके विभाग को किसी भी तरह से मुझे उद्धार कराना है, तो मैं वही कार्य कर रहा हूं। लेकिन कहते हैं ना कि जब त्रेता युग द्वापर युग में पूजा पाठ हुआ करती थी तो राक्षस संहार कर देती थी, वही हाल आज हो रहा है। कुछ तो ऐसे तथाकथित नेता हैं कि भगवान राम तक को नहीं छोड़ रहे, भगवान राम की चौपाई सुना सुना करके ऐसा लूटे हैं कि 45 लाख का घोटाला कर गया, 45 लाख पूरा पी गए। और यहां तक दावा करते हैं कि जिन लोगों ने पैसा दिया है अगर उससे 20% भी लोग हमारे साथ जुड़ गए तो मैं वचन देता हूं आपको इस वीडियो से कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जांच डलवा करके आपके 45 लाख रुपए का हिसाब किताब कराने का मैं वादा करता हूं। अगर उनके मन में यह चल रहा है कि अनु त्रिपाठी क्या कर सकता है, तो अनु त्रिपाठी जो कर सकता है वो शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं अपने आप को बहुत मामूली आदमी समझता हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, पर करने पे आ जाता तो बहुत कुछ कर सकता। तो प्यारे मित्रों, यहां पर रुकावटें जो आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके विभागीय नेता नहीं चाहते कि आपका विभाग का उद्धार हो, आपकी तरक्की हो। और इस मीटिंग में बुलाने का उद्देश्य यह नहीं है, यहां धरना हो रहा है, धरना नहीं हो रहा। यहां आप जब मीटिंग में आएंगे तो जो विपक्ष के लोग होंगे उनसे आपका लेटर पैड वगैरह दिलवा करके आपकी आवाज वो बनेंगे। आवाज बनने के बाद आपके जब आवाज उठाएंगे चैनलों के द्वारा और सदन में जाके विधानसभा में, तब आप सोचिए कि सरकार को शर्म आएगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2 पंचवर्षीय जीत कर आई लेकिन हमारे इस विभाग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं कभी किसी सरकार का विरोध नहीं करता हूं, मैं योगी जी का सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने इस विभाग का बिल्कुल भी उद्धार नहीं किया। कई बार लोग आए, कई बार धरना किया, कई बार लेटर गए, लेकिन आलस कर दिया गया। लेकिन अब यह सब नहीं हो सकता है। मैं इस वीडियो से तमाम जिलाधिकारी जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि 20 जुलाई को इको गार्डन की धरती पर हमारे चौकीदार मीटिंग करने के लिए आएंगे, उनको आगे की रणनीति और रास्ता बताने का हम लोग काम करेंगे ताकि उनका या तो उनका उद्धार होगा या तो उसका रिजल्ट और परिणाम कुछ दूसरा होगा। यह मिशन लेकर के मैं चल रहा हूं। इस मिशन में जोश और जज्बे के साथ जो हमारे बीसी विभाग के लोग हमारे साथ खड़े होंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं मैं 100% आपकी मदद नहीं कर पाया तो लेकिन कुछ ना कुछ जरूर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेरा काम करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। आपके ही विभाग के लोगों ने कहा अनु भैया एक बार आप आह्वान करके देखो, लोग इकट्ठा होंगे तो अपनी शक्ति और अपने बल को आपको दिखाना है। आपके जो तथाकथित नेता है इनके मुंह पर काली स्याही थोपिए, इनको पता चलना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। एक बार इस काम को करके देखिए कि मीटिंग होती कैसे है, तब आप बताइए इन लोगों को कि लोगों ने क्या किया अभी तक आपके लिए। जब आप किसी तरह से परेशान होते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं थाने के अंदर, हमारे पास मेरा भाई अगर कोई फोन करता है तो अनु त्रिपाठी अपनी जान की बाजी लगा करके आपके साथ खड़ा होता है, चाहे रात हो या दिन हो। और बहुत से हमारे बीसी व्याके जिनका जिनका मैंने अच्छा किया है, आज वो साक्षात सबूत है। और तो और छोड़िए, जिस समय धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे उस समय आपके तथाकथित नेता चौकीदारों के फोन नहीं उठा रहे थे, तब अनु त्रिपाठी सुबह 7 बजे से फोन उठा रहे थे और सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं चारबाग पहुंचा था। अगर मेरे अंदर लालच होता या स्वार्थ होता तो मैं अपना ये खाना पीना नाश्ता क्यों छोड़ कर जाता भाई। वहां पर जब मैंने कहा कि ये पद यात्रा हमें करानी है तो आपके नेताओं ने विरोध किया, मैं बोले कि नहीं वहां डंडे पड़ेंगे, लाठियां पड़ेंगी। मैंने कहा कुछ नहीं पड़ेगा, मैंने कहा कुछ नहीं पड़ेगा, हमारे साथ चलिए। मैं आगे आगे चला, जाने कितनों किलोमीटर तक पैदल चला, लेकिन उसमें भी किसी ने भी, अरे आसान तो छोड़िए, सिर्फ बुराई के अलावा कुछ नहीं किया, उसमें भी अपनी टीआरपी चमकाने में लग गए। ये जो आज नेता आपके उछल रहे हैं, ये 0/0 सन्नाटा थे, इनको यूट्यूब चलाने का भी ज्ञान नहीं था और आज ये यूट्यूब पर बैठ कर भौंकते हैं और गलत टिप्पणियां करते हैं, इनको मैं क्या बोलूं। अब आप बताइए कि मैं गलत हूं या आपके नेता गलत हैं। अगर आप सच में एक ईमानदार व्यक्ति होंगे, आप सच में अगर एक वाकई में मर्द आदमी होंगे तो आप इंसान को पहचान लीजिए, जानवरों को नहीं। अगर आपको लगता है कि अनु त्रिपाठी आपके लिए सही व्यक्ति है तो साथ आइए, और नहीं लगता तो कमेंट ठोकिए मत आइए। कुछ लोग करते हैं, उन्हीं के लोग हैं, कुछ टिप्पणियां करते हैं, अरे भाई टिप्पणी करके क्या फायदा निकलेगा।
जाइए ना आप उनकी पार्टी में ज्वाइन हो जाइए, देखेंगे कितना लाभ आपको मिल रहा है। पर मेरे साथ जो चौकीदार हमारा आएगा उन सबका नाम, मोबाइल नंबर, जिला, थाना, सारा हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा। जब भी उनको कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान करने का प्रयास ये अनमोल त्रिपाठी आपका करेगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत बारीकियों से समझाने का प्रयास किया है, शायद अगर इस वीडियो से भी आंखें ना खुली तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर आ जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, अपना प्यार भरा कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को उन लोगों तक वायरल कर दो, शेयर कर दो जिनके मुंह पर अभी इसमें टेप चिपका हुआ है, आंखें बंद है, कानों में रुई लगी हुई है, उन्हें जगा डालो। ये आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, लेकिन किसी को इस तरह से बदनाम ना करे। मैं नचैया हूं कोई बात नहीं, ये मेरी एक कला है और मैं कला का सम्मान करता हूं। मेरे भी इसी विभाग में भी अगर कोई कलाकार होगा तो उसका भी सपोर्ट अनमोल त्रिपाठी करेगा। और दूसरी चीज, ये मेरा चैनल हेल्पिंग से जुड़ा हुआ ज्यादातर चैनल है, न्यूज चैनल की भी कई कैटेगरी आती है। मैं अपने चैनल पर कलाकारों को सपोर्ट करता हूं, कलाकारों को प्रमोट करता हूं, जिनका कोई नहीं उनके हैं हम, ये हमारा चैनल करता है, इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।